नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फीकल इनकॉन्टिनेंस के बारे में। फीकल इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि कुछ मरीजों को अपने मल द्वार की मांसपेशियों पे कमजोरी होने की वजह से गैस निकलने के साथ साथ मल का बाहर आने की भी समस्या होती है। हमारे मल द्वार के अंदर दो तरह के स्फिंक्टर्स होते हैं, स्फिंक्टर्स या मान लीजिए गेट, एक जिसको हम कहते हैं इंटरनल स्फिंक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो इन स्फिंक्टर्स या गेट की कमजोरी की वजह से इनके आसपास जो मांसपेशियां हैं उनकी कमजोरी की वजह से, जिनको हम पेल्विक फ्लोर मसल्स भी कहते हैं, फीकल इनकॉन्टिनेंस की समस्या मरीजों में होती है। ये समस्या कई बार महिलाओं में देखने को मिलती है। महिलाओं में चाइल्ड बर्थ के बाद पेल्विक फ्लोर मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं और तब उनको कई बार फीकल इनकॉन्टिनेंस की समस्या हो जाती है, या फिर ऐसे लोगों में जिनमें काफ़ी समय तक कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बनी रहती है, जिसमें उनको काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। इस जोर लगाने की वजह से पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है और उनको भी इस प्रकार की समस्या हो जाती है। कई बार उम्र के साथ भी हमारी पेल्विक फ्लोर मांसपेशियां, जो मांसपेशियां हमारे मल द्वार के आसपास रहती हैं, वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और तब भी मरीजों को फीकल इनकॉन्टिनेंस की समस्या होनी शुरू हो जाती है। स्टोमा रिविजन सर्जरीज के बाद भी काफ़ी सारे मरीजों में इस प्रकार की समस्या देखी जाती है। फीकल इनकॉन्टिनेंस की समस्या से निदान पाने के लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारी जो पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां हैं, जो कि मल द्वार के आसपास की मांसपेशियां हैं, उनकी ताकत और क्षमता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इस समस्या से हमें निदान मिल सकता है। इसके अलावा हमारा बाउल के ऊपर कंट्रोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी इम्प्रूवमेंट होता है पेशेंट्स को। एक्सरसाइज करने से पहले हमें यह जानना है कि हम कौन सी मांसपेशियों से हमें काम करना है और किस प्रकार से उन मांसपेशियों से काम करना है। सही तरीके से काम करने पर ही फ़ायदा मरीजों को मिल पाएगा। आइए पहले हम समझ लेते हैं कि हमें कौन सी मांसपेशियों से काम कराना है। इसके लिए आपको बैठ जाना है और अपने दोनों घुटनों को हल्का सा बाहर की तरफ खोल लेना है। उसके बाद ऐसा महसूस करना है कि मान लीजिए आप गैस पास कर रहे हैं और आपको गैस पास करते समय उस गैस को रोकना है। जब आप उस गैस को रोकेंगे तो जो मांसपेशियों से आप काम कर रहे हैं वही मांसपेशियाँ हैं पेल्विक फ्लोर मांसपेशियाँ, जिनको हमें ताकत बढ़ा के हमको उनकी क्षमता को इम्प्रूव करना है। 3-4 बार दोहरा के आपको ये थोड़ा बेहतर ढंग से समझ आ जाएगा कि आपको कौन सी मांसपेशियों से काम करना है। बार बार आप ये कोशिश कीजिए कि गैस पास करते समय आपको अगर गैस को रोकना है तो कैसे आप मांसपेशियों को सख्त करके उनसे कॉन्ट्रैक्ट करा के, उनसे काम करा के गैस को रोकेंगे। प्रैक्टिस करने के साथ साथ ये काम धीरे धीरे आपको आसान लगने लगेगा। इन मांसपेशियों से काम करते समय हमें कुछ चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना है, जैसे कि हमें अपना सांस नहीं रोकना है। जब भी हम ये वर्जिश कर रहे हैं तो हमें नॉर्मली धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। इसके अलावा हमको ना अपने पेट की मांसपेशियों से काम करना है, ना अपने कूल्हों की या बटक्स की मांसपेशियों से काम करना है। उनको बिल्कुल ही रिलैक्स रखना है, ढीला छोड़ देना है। कई बार कई मरीज ये मांसपेशियों से काम कराते समय अपने घुटनों को मोड़ते हैं, कंधों को मोड़ते हैं, पाँव की उंगलियों को मोड़ते हैं। उन सब मांसपेशियों को भी हमको नहीं चलाना है, केवल हमें पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों या मल द्वार के आसपास वाली मांसपेशियों पे ही फोकस करना है, उन्हीं मांसपेशियों से काम कराना है। इसके अलावा पूरी मांसपेशियां जो दूसरे शरीर की मांसपेशियां हैं उनको रिलैक्स रखना है। एक बार ये समझ लेने के बाद कि हमें कौन सी मांसपेशियों से काम कराना है, हमारे पास दो तरीके हैं जिनसे हम उन मांसपेशियों से काम करा सकते हैं। पहला तरीका, जिसमें हम मल द्वार की मांसपेशियों को जितनी ताकत हो सकती है उतनी ताकत से सिकोड़ेंगे और उसको हम लगभग 5 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। इसके बाद फिर हम 5 सेकंड तक रिलैक्स कर देंगे और इस प्रक्रिया को हम लगभग 5 बार दोहराएंगे। ये प्रक्रिया करने से मल द्वार के आसपास की पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों की ताकत बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और जो दूसरा जो तरीका है, उसके अंदर हमें मल द्वार के आसपास की मांसपेशियों को पूरी ताकत से नहीं बल्कि आधी क्षमता से हमें काम कराना है और उसको लगभग 10 सेकंड तक हमको रोकना है। उसके बाद हमें आराम करना है लगभग 10 सेकंड के लिए और फिर दोबारा दोहराना है। इस दूसरे तरीके से एक्सरसाइज करने से हमारे पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों की एंड्योरेंस इंप्रूव होगी, यानी वो क्षमता जिससे हम अपने पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट करके रख सकेंगे या उनसे काम करा पाएंगे। धीरे धीरे जब आप ये एक्सरसाइज को अच्छे से समझ जाएँ, अच्छे से करने लगे, तो फिर हम इन एक्सरसाइज को आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं या फिर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में आप कुर्सी में बैठ के आप ये एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके बाद आप चाहें तो खड़े होके, लेट के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसा काम करते समय भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें हमारा पेट का प्रेशर बढ़ता है। मान लीजिए कि अगर हम खांस रहे हैं, छींक रहे हैं या फिर नाक साफ कर रहे हैं, इन कार्यों को करते समय भी हमारा पेट का प्रेशर पड़ता है। और तब अगर हम ये मांसपेशियों से काम करेंगे तो फिर हमारी पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों की क्षमता और बेहतर ढंग से बढ़ पाएगी। एक्सरसाइज करने के अलावा हमें खाने पीने की चीज़ों पे भी ध्यान देना है। हमें ऐसा खाना खाना है जो कि फाइबर रिच फूड हो।
जिसकी वजह से जो स्टूल का फॉर्मेशन है वो सही ढंग से हो और लीकेज की समस्या कम से कम हो।